पक्ष तो आरोप लगा रहा है कि मैनिफेस्टो में भी रोजगार का जिक्र ढंग से कहीं नहीं है और कभी भाषणों में भी भाजपा अब रोजगार का जिक्र नहीं कर रही है। आज भी मोदी जी का भाषण 27 मिनट वो भाषण दिए, कहीं रोजगार का बात नहीं हो पाया। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, वो बोल नहीं रहे लेकिन करेंगे जरूर। रोजगार का बात नहीं किए, देखिए वो 10 साल में इतना कुछ कर चुके हैं और अभी आएंगे तो फिर एक बार रोजगार भी मिलेगा। 10 साल में बहुत रोजगार मिला है। क्या लग रहा है इस अभी जो मोदी जी यहाँ प्रचार में आए, इससे गीता कोड़ा को फायदा होगा? बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे भी गीता कोड़ा का अपना जनाधार बहुत अच्छा है और मोदी जी के आने से वो जनाधार डबल हो गया है। तो इससे पहले भी गीता कोड़ा सांसद थी, कैसा काम की उस समय पर? आप लोग तो देख ही रहे होंगे, आप लोग उस समय विपक्ष में थे। देखिए काम जहाँ तक है कि वो करना तो चाहती होगी, लेकिन जो जो पार्टी के साथ जो वो थे तो उनके चलते हो सकते हैं वो काम नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अभी अभी चाईबासा टाटा कॉलेज ग्राउंड में खत्म हुआ है और जो दर्शक पहुंचे थे अलग अलग इलाकों से अभी निकल रहे हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा राजकुमार सिंह। मोदी जी का भाषण सुने? जी सुने, बहुत अच्छा रहा, लोगों को जागरूक किए और भाजपा कैसे 400 पार करेगी इस विषय में हम सभी को समझाए, आदिवासियों का कैसे कल्याण होगा उस विषय में समझाए, आदिवासियों की जल जगल जमीन को कौन बचाएगा, एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो बचा सकती है। उन्होंने इस संकल्प को दे करके और लोगों को समझा करके और यहाँ से वो वापिस गए। कैसा लगा प्रधानमंत्री का भाषण? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बोले प्रधानमंत्री, क्या समझ में आया? बताइए। समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बताइए कैसा रहा प्रधानमंत्री का भाषण? एक नंबर का रहा, वो बहुत अच्छा। हम लोग का टिप्स सब भाजपा कार्यकर्ता को बहुत अच्छा टिप्स देके गए, बहुत अच्छा भाजपा कार्यकर्ता को टिप्स देके गए। वह बोले सबसे अच्छा उनका भाषण में लगा कि वह बोले आरक्षण को खत्म होने नहीं देंगे। संविधान भी बचाएंगे, संविधान भी बचाएंगे, बस। रोजगार का बात नहीं किए, देखिए वह 10 साल में इतना कुछ कर चुके हैं और अभी आएंगे तो फिर एक बार रोजगार भी मिलेगा। 10 साल में बहुत रोजगार मिला है। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं आनंदपुर, मनोहरपुर विधानसभा का आनंदपुर से हूँ। आनंदपुर में पानी कैसा व्यवस्था है? घर घर में अभी प्रधानमंत्री का यह से हर घर में जल नल योजना चालू हो गया है। पानी पहुंच रहा है? पानी पहुंच रहा है हर घर में। हाँ, और क्या? अभी प्रधानमंत्री आवास भी लगभग देहात क्षेत्र में उतना तो नहीं हुआ है लेकिन वह भी चालू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। इस बार लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ चाईबासा आ गए तो ये गीता कोड़ा की जीत में आसान हो जाएगा? एकदम आसान क्या, इस बार हम लोग पूरा यहाँ सिंहभूम से ही नहीं, पूरा हम लोग भारत में 400 पार इस बार ला रहे हैं। हाँ ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सुमंत कुमार साहू। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी लगी। हमारे सिंहभूम क्षेत्र में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हमारे बीच और बहुत कुछ हम लोग को सिखा के गए कि हमारे जो संविधान है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। कौन छेड़छाड़ करना चाह रहा? जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, पर हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बोले वो हमारे संविधान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा हैं इसमें कुछ भी। बात बताइए, आप कभी किसी कांग्रेस नेता के मुंह से सुने हैं कि वो संविधान बदलना चाहता है या आरक्षण खत्म करना चाहता है? उल्टा राहुल गांधी तो ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, पहले जनगणना होगा फिर आरक्षण दिया जाएगा उस हिसाब से। वो तो बोल रहे हैं लेकिन जो हमारे जो ST SC जो आदिवासी लोग हैं उनका जो आरक्षण है वो हमारे मुसलमान लोगों को दिया जा रहा है। हमारे जो हक है पहले आदिवासी ST SC। ऐसा कौन बोला है कि आप लोग का आरक्षण को मुसलमानों को दिया जाएगा, ऐसा कहीं आप सुने हैं? सुने हैं तब ना बोले, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बोले, फिर हमारे कांग्रेस के नेतागण से भी सुने हैं। अच्छा, कौन नेता बोले हैं? बहुत सारे, किनका नाम लिया जाए। और क्या लग रहा है इस बार जीत जाएगी यहाँ से भाजपा? गीता कोड़ा 400 पार। कहाँ से हैं आप? हम मनोहरपुर विधानसभा आनंदपुर प्रखंड से हैं। क्या समस्या है मनोहरपुर का, ये चलते चलते बात करते हैं, क्या दिक्कत है मनोहरपुर विधानसभा में? जैसे नरेंद्र मोदी जी अभी हम जल नल योजना का शुरुआत हो गई, हर घर में पानी पहुँच गई है, अब हमारे वहाँ सिर्फ रोड रोड की दिक्कत है, वो भी शुरू हो जाएगी कुछ दिन के बाद अगर इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से हमारे फुल बहुमत के साथ आ जाएंगे तो दिल्ली में। कैसा लगा दीदी भाषण प्रधानमंत्री का? बहुत अच्छा, पूरा मन को भा गया इस बार 400 पार। 400 पार तो ठीक है, यहाँ एक सेकंड रुक जाएगा, चाईबासा सीट गीता कोड़ा निकाल लेंगी? एकदम जरूर, मेहनत रंग लाएगी।
लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सारा विधायक उनका है, उनका पकड़ है इस इलाके में, तो इस बार गीता कोड़ा मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं है, सब अपने अपने मेहनत कर रहे हैं, गीता बाल बच्चू भी अपने मेहनत कर, गीता कोड़ा भी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ हैं। इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री को देखे सुने कैसा रहा पूरा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। और क्या सीखने को मिला मोदी जी से? सीखने को मोदी जी से हमें ये मिला कि किस प्रकार से योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है मोदी जी के द्वारा, किस प्रकार से सबको गैस चूल्हा, किस प्रकार से सबको अनाज भूखों को दिया जा रहा है, ये सब जानकारी प्राप्त हुआ। अब हम लोग भी घर घर जा कर के यही प्रचार प्रसार करेंगे और सब में जो सूचना यही देंगे कि मोदी जी का क्या लक्ष्य है, क्या ध्येय है जी। तो क्या लग रहा है इस अभी जो मोदी जी यहाँ प्रचार में आए, इससे गीता कोड़ा को फायदा होगा? बेशक बेशक, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे भी गीता कोड़ा का अपना जनाधार बहुत अच्छा है और मोदी जी के आने से वो जनाधार डबल हो गया है। तो कितना मार्जिन से गीता कोड़ा लीड कर रही है मोदी जी के आने के बाद? ऐसे तो जनता में जितना जिस प्रकार से चर्चा है, लगभग 2 लाख वोटों से गीता कोड़ा जीतेगी। हाँ, 2 लाख वोटों से। अच्छा, गीता कोड़ा इससे पहले भी सांसद थी, कांग्रेस से थी, जनता में नाराजगी है कि उन्होंने काम नहीं किया, इस बार क्या लग रहा है भाजपा में आके हो जाएगा काम? देखिए, इस विषय पे हमें ये कहना है कि यदि कोई प्रत्याशी या कोई व्यक्ति अगर काम करना भी चाहता है और अगर पार्टी अगर सही ना हो और उसे सहयोग सही ना मिले तो वो काम उस प्रकार से नहीं हो पाता है। अच्छा, काम उस प्रकार से नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रत्याशी ही मैंने जरूरी नहीं रखता, पार्टी भी जरूरी होता है कि किस पार्टी में है, किसका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। अच्छा जी, तो आप गीता कोड़ा भाजपा में आ गई तो लग रहा है काम हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी धरातल पर मोदी जी का काम है उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का काम गीता कोड़ा जी करेगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, इससे पहले भी गीता कोड़ा सांसद थी, कैसा काम की उस समय पर? आप लोग तो देख ही रहे होंगे, आप लोग उस समय विपक्ष में थे। देखिए, काम जहाँ तक है कि वो करना तो चाहती होगी, लेकिन जो जो पार्टी के साथ जो वो थे तो उनके चलते हो सकते वो काम नहीं कर पाई, जो जनता उनको नाराज़ हो रही है, लेकिन इस बार बीजेपी में आ गए हैं तो काम कर पाएगी वो। काम कर पाएगी जी जी। अच्छा, गीता कोड़ा मान लीजिए इस बार जीत गई तो क्या क्या काम इस लोकसभा में हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है इधर का सबसे ज़्यादा? दिक्कत बोलने से तो है, बहुत कुछ दिक्कत है। सबसे पहले तो बेरोजगारी आता है यहाँ। मोदी जी तो रोजगार का चर्चा किए नहीं यहाँ पे, जबकि जरूरी है, युवा है इस क्षेत्र में, भारी संख्या में लोग हैं, रोजगार का साधन नहीं है इधर, कोई बढ़िया फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री है भी तो बाहर के लोगों को मिल रहा है नौकरी। हाँ बताइए। लेकिन गीता कोड़ा जी प्रत्येक भाषण में, प्रत्येक नुक्कड़ नाटक कहीं भी जाती है तो एक ही विषय को बोलती है कि 28 के 28 खदान जो बंद पड़ा हुआ है उसको वो सब सर्वप्रथम खुलवाने का प्रयास करेगी। उनका पहला प्रयास यही होगा कि रोजगार कैसे दिया जाए जनता में जी, ये गीता कोड़ा के जी का पहला लक्ष्य है। क्या लग रहा है इस बार रोजगार मिल जाएगा? एकदम 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 मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा सभी युवा पीढ़ी को, जो बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिलेगा। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि मैनिफेस्टो में भी रोजगार का जिक्र ढंग से कहीं नहीं है और कभी भाषणों में भी भाजपा रोजगार का जिक्र नहीं कर रही है। आज भी मोदी जी का भाषण 27 मिनट वो भाषण दिए, कहीं रोजगार का बात नहीं हो पाया, वो विपक्ष पर हमलावर रहे, लेकिन आप युवा हैं, आप युवा हैं, हम युवा हैं, हमारे लिए कुछ निकल कर आया नहीं वैसे? आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। वो बोल नहीं रहे लेकिन करेंगे जरूर। अच्छा, मोदी जी बोल नहीं रहे लेकिन करेंगे, बिना बोले करेंगे, बिना बोले ही करेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.